Hello students, in our previous lecture we completed the session only till the OS user and system point of view in lecture 2 and the architectures are remaining to start. So today in your lecture 3, I am going to explain you the architecture of operating system and will explain you the two types out of the 5 types as you have already seen in the lecture 2 outline. As there are 5 types of architecture: monolithic architecture of operating system, gated system, microkernels operating system architecture, virtual machine architecture of operating system and exokernels. Okay, so today I am going to explain the 2 types of architecture in lecture 3 of unit 1. The monolithic architecture of operating system and the layered systems. And there is an announcement for you students, kindly make a notebook separately for subject operating system and prepare your handwritten notes also. So let's see the monolithic architecture of operating system. Architecture means what is the meaning of architecture? Architecture is basically design. कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया होगा तो उसका किस तरह का डिजाइन या आर्किटेक्चर पहले डिजाइन किया गया होगा कि हम उसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज डालेंगे, क्या क्या फीचर्स उसमें उसके डिजाइन के अंदर इंक्लूड करेंगे. सो फर्स्ट वन जो आर्किटेक्चर आता है दैट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज द ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज वेरी फर्स्ट आर्किटेक्चर था ऑपरेटिंग सिस्टम का, सबसे पुराना. In the monolithic system, each component of the OS is contained within the kernel only. तो इस लाइन का ये मीनिंग है कि जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि टू टाइप्स के आपके मोड्स होते हैं. एक होता है आपका कर्नल मोड और एक होता है आपका कौन सा यूजर मोड, जो आपने मुझसे प्रीवियस जो अपना लेक्चर 2 था उसमें अंडरस्टैंड किया था. तो देखिए ये वाली स्लाइड मैंने आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन की थी टॉपिक 3 के अंदर. जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली दो मोड में वर्क करता है, एक होता है कर्नल मोड और सेकेंड होता है यूजर मोड. तो जो फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, तो इसमें पूरा ओएस एक ही मोड, एक ही स्पेस के अंदर वर्क करता था, दैट इज कर्नल मोड. उस टाइम पे यूजर मोड सेपरेटली नहीं बना था. तो इसीलिए इसकी कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी रही है और इसीलिए बाद में सेपरेशन करके यूजर मोड बनाया गया. ओके, तो ये ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर है. एक्चुअली डेवलपर्स जो डेवलपमेंट करते हैं उसकी हिस्ट्री हम पूरी स्टार्टिंग से देखते हैं. तो पहला जो आर्किटेक्चर बना वो बना मोनोलिथिक, तो उसकी जो डिसएडवांटेजेस थी उसको दूर करने के लिए फिर सेकेंड आर्किटेक्चर आया, वो लेयर्ड सिस्टम. फिर इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस रही होगी, तो इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यूज करके फिर नेक्स्ट बना माइक्रो कर्नल्स. फिर इसके अंदर के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को यूज करके उसका ध्यान रख के फिर नेक्स्ट वर्जन्स क्रिएट किए गए. तो आपको जो सबसे पहला आर्किटेक्चर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बना था, जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता था सिस्टम में इंस्टॉल होते ही, तो वो था आपका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अभी तक आपने इसके अंदर ये समझा कि इसमें पूरा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सब इसमें प्रेजेंट होता था. पूरा ओएस आपका कर्नल स्पेस होंगी, पूरा वर्क करता था किसमें, कर्नल स्पेस के अंदर. एज वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेस, यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस, बट इन मोनोलिथिक कर्नल ओनली वन स्पेस इज प्रेजेंट, दैट इज कर्नल स्पेस. ओएस वर्क्स ओनली इन द कर्नल मोड. पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ही मोड में वर्क करता था, दैट इज कर्नल मोड. ओके, सो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ मोनोलिथिक कर्नल, किस तरह का आर्किटेक्चर उस टाइम पे बना था. तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दो पार्टीशन दिख रहे हैं, एक तरफ लिखा है एप्लीकेशन ऊपर और नीचे आपको यहाँ पे जो भी नेम्स दिख रहे हैं वो सारे हैं फंक्शनैलिटीज, जो फीचर्स अपन एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते वक्त उसके अंदर डालते हैं. तो नीचे आती है हार्डवेयर डिवाइसेस. तो ये आर्किटेक्चर का जो डायग्राम का फॉर्मेट है वो फॉर्मेटिंग उसी वे में रहेगी जो आपने इसका बेसिक डायग्राम मुझसे सीखा था. देखो मैं आपको बताती हूँ, जो डायग्राम आपने मुझसे सीखा था पहले वाला, कि नीचे हमेशा क्या आएंगे, हार्डवेयर आएंगे, फिर क्या आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऊपर आते हैं यूजर प्रोग्राम, और यूजर प्रोग्राम्स के ऊपर आती है हमेशा एप्लीकेशंस. तो यूजर मोड तो उसके अंदर था ही नहीं, तो ये सेक्शन उसमें रिमूव हो गया.
क्या क्या रहा हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज और ऊपर रही एप्लीकेशन। तो मोनोलिथिक के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज है वो यहाँ पर डायग्राम के अंदर डिस्क्राइब करके उनके नेम लिखे हुए हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप डायग्राम को कंपेयर करोगे फर्स्ट वाले जो आपने लेक्चर वन में मुझसे सीखा था, तो आपको ये उसी वे में उसी फॉर्मेट में समझ में आएगा। सबसे ऊपर आ गई एप्लीकेशन, यूजर वाला सेक्शन इसमें है नहीं। फिर आपका क्या आएगा, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी क्या फंक्शनैलिटीज रही वो सब आ गई इसके अंदर। और लास्ट लेयर आपकी किसकी हो गई, हार्डवेयर की, राइट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होते हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको सिर्फ नेम देखने को मिल रहे हैं। इनके बारे में आपको पूरे पूरे चैप्टर्स बाद में देखने को मिलेंगे, यूनिट्स के अंदर डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो डिवाइस ड्राइवर है, तो आप कोई डिवाइस इंस्टॉल करते हो तो उसका ड्राइवर हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। इनफैक्ट आप मोबाइल भी अपना कनेक्ट करते हो तो उसके लिए हमको उसका रिगार्डिंग जो डिवाइस का ड्राइवर का सॉफ्टवेयर है वो भी हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। डिस्पेचर्स है, शेड्यूलर है कि अगर आपका कोई प्रोसेस पहले है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो पहले कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होकर के एग्जीक्यूट होगा, तो शेड्यूलर इंस्टॉल होता है। वर्चुअल मेमोरी, ये आपका पूरा एक यूनिट का नेम है। आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक पूरी यूनिट आएगी आपकी। फाइल सिस्टम, बीएफएस वर्चुअल फाइल सिस्टम, और फिर सिस्टम कॉल्स जो कि इस यूनिट का टॉपिक है, आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो ये जो सारे नेम यहाँ पर डिस्क्राइब करके मेंशन किए हुए हैं ये सब उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज के अंदर आते हैं। ओके, तो आपको जस्ट डायग्राम में इनके नेम्स को जितने आप मेंशन कर सकते हो वो सब करना है। फॉर्मेट वही रहेगा, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया पूरा उसकी फंक्शनैलिटीज के साथ, ऊपर एप्लीकेशन, नीचे हार्डवेयर। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया, तो अब अपन इसके डायग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर देखेंगे। इसकी लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन विल कनेक्ट विद द हार्डवेयर। तो एप्लीकेशन किससे कनेक्ट होती है, हार्डवेयर और ओएस के साथ में। बट इन मिडिल देयर इज फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोलिथिक कर्नल प्रेजेंट। कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होगी, बीएफएस वर्चुअल फाइल सिस्टम, सिस्टम कॉल, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, फाइल मैनेजमेंट, शेड्यूलर, डिवाइस ड्राइवर एक्सेट्रा। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज के नेम है कि क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं वर्क करने के लिए, और हमें क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर इंस्टॉल या डालनी पड़ती है सॉफ्टवेयर के लिए, विच ऑल आर प्रेजेंट इन द रनिंग पार्ट ऑफ द ओएस। अब देखो ये सारी फंक्शनलिटीज किस पार्ट में गई, एक ही मोड के अंदर काम कर रही है, वो कौन सा मोड हो गया आपका, कर्नल मोड। अंदर आपके पास में यूजर का कोई मोड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इन दिस मेमोरी स्पेस कम्प्लीटली प्रेजेंट इन ओएस, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क का सारा जो सेक्शन है वो पूरा किस में वर्क करता है, कर्नल मोड के अंदर। बिकॉज ऑफ वन सिंगल मोड कर्नल ओनली, एक ही मोड है कर्नल ओनली, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। क्योंकि जैसे अपन लैपटॉप परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क के पार्टीशन कर देते हैं ताकि हमारा अगर कभी सिस्टम हम फॉर्मेट करें तो हमारी जो हमने पार्टीशन किया है तो हमें उसी को रिमूव करना पड़े, और मेन जो हमारा सी है, जो सिस्टम का सी ड्राइव है, उसको हमें हार्ड डिस्क के उस ड्राइव को फॉर्मेट करें तो उसके अंदर जो मेन फाइल से आपकी वो सब ना जाए। अगर मीन्स अगर कोई दूसरी फाइल की वजह से सिस्टम क्रैश होता है तो हम उसी पार्ट को जो हमने पार्टीशन किया है केवल उसी को हम क्या करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे। तो पहले हम मेमोरी का जैसे सेपरेशन अभी करते हैं वैसे मेमोरी का सेपरेशन यानी कि हार्ड डिस्क का पार्टीशन नहीं होता था, सारा काम किसमें होगा, एक ही मोड के अंदर, दैट इज कर्नल मोड। सो इट्स परफॉर्मेंस इज वेरी हाई, क्योंकि एक ही मोड में आप सारा काम कर रहे हो, आपको स्विचिंग ही करनी पड़ रही है। अगर आपके पास में दो मोड होंगे, यूजर मोड और कर्नल मोड, तो आपको बहुत सारे टास्क के लिए कर्नल मोड में जाना पड़ेगा, फिर स्विच करके यूजर मोड में आना पड़ेगा, फिर अगेन आपको फोर्थ बैक यानी कि यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विचिंग करनी पड़ेगी। तो ये स्विचिंग से क्या होता है, टाइम डिले जनरेट होता है, और टाइम जो होता है उससे ज्यादा लगने से परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसकी एक एडवांटेज तो ये थी कि इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, बहुत ही हाई थी, नो सेपरेशन ऑफ स्पेस की वजह से, कि आप हार्ड डिस्क की कोई पार्टीशन नहीं करते हो, केवल एक ही मोड में अपना टास्क परफॉर्म करती है। अब नाउ सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक ओएस, मीन्स आपके टॉपिक को किस तरीके से डिजाइन किया, अगर आपको एग्जाम में आता है, जनरली आता भी है मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है, देन उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद में आपको डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखना है, आफ्टर दैट यू नीड टू एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक कर्नल।
performance is high क्योंकि आप एक ही मोड में काम कर रहे हो, कर्नल मोड ओनली. स्पीड इज ऑल्सो वेरी हाई बिकॉज यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस बोथ आर सेम, सो देर इज नो स्विचिंग डन फॉर द टास्क. आपको किसी भी टास्क के लिए स्विचिंग करने की जरूरत पड़ती थी कि मैं इस टास्क को करना है तो यूजर मोड में जाना पड़ेगा, वो इसको ये कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है, हाई प्रिविलेज्ड है तो कर्नल मोड के अंदर ही परफॉर्म होगा. तो इस तरीके से स्विचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप एक ही मोड में सारा काम परफॉर्म कर रहे थे. इट रिड्यूसेस द टाइम डिले. जैसे टाइम डिले यानी टाइम के बीच में जो अपन स्विचिंग करते थे उसमें टाइम वेस्ट होता था, तो टाइम डिले जनरेट नहीं होता था. नाउ सी द लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक कर्नल. इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस रही थी तभी इसके बाद में आपको फोर और आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम के देखने को मिले जिन्होंने इसके डिसएडवांटेजेस को क्या करा, रिकवर किया. वन नंबर वन डिसएडवांटेज, वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज इज दैट इफ एनी वन सर्विस फेल्स, यानी आपकी कोई भी एक सर्विस फेल हो गई, इट लीड्स टू एंटायर सिस्टम फेलियर. आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. अगर आप सेपरेशन करते हो तो कोई एक फाइल करप्ट होती है तो आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश नहीं होता है, अभी जो हम जनरली यूज करते हैं लैपटॉप में, राइट. लेकिन इसमें क्या था, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज अगर हम बोले मेजर डिसएडवांटेज तो ये थी कि अगर कोई भी सर्विस फेल हो गई तो उससे एंटायर सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाता था. इट इफ यूजर हैज टू एड एनी न्यू सर्विस, अगर आपको यूजर को नई फंक्शनैलिटी एड करनी है, कोई नई सर्विस एड करनी है, यूजर नीड्स टू मॉडिफाई एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको उस स्पेस के अकॉर्डिंग पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ता था. सिक्योरिटी इश्यूज आर ऑलवेज देयर बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन अमंग द वेरियस सर्वर्स प्रेजेंट इन द कर्नल. उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत ज्यादा जनरेट होते थे क्योंकि कोई भी सेपरेशन जो था वो सर्वर में प्रेजेंट नहीं होता था कर्नल के अंदर. इट इज हार्ड टू एक्सटेंड, आप इसमें एक्सटेंशन नहीं कर सकते हो बिकॉज एनी वेयर भी एक्सटेंड इन द स्पेस, कि आप कर्नल स्पेस में कहीं पे भी एक्सटेंड करोगे तो इट विल अफेक्ट ऑन कम्प्लीट ऑस, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा उसकी सारी फंक्शनलिटीज को आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर हमने इसमें कोई न्यू सर्विस एड की है लेकिन हार्ड डिस्क तो जितने स्पेस की हमारे पास में, जितने अगर MB की है तो हम वही यूज करेंगे, राइट. तो उसके अंदर हमको स्पेस को मैनेज करना पड़ता है. If an error is generated, then it may changes, it may be chances to crash of complete OS. अगर कोई error generate हो जाती है तो क्या chances generate हो जाते थे mainly कि crash हो जाएगी आपकी complete operating system, जो है आपका क्या हो जाएगा, crash हो जाएगा. तो ये इसकी disadvantages थी बहुत ज्यादा एक ही space में एक ही mode के अंदर काम करने की वजह से, right. तो फिर next आपका जो आता है वो आता है आपका layered systems. तो लेट सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर की क्या नया डिजाइन बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के अंदर. तो सेकंड टाइप इज लेयर्ड सिस्टम्स. तो अब क्या करा कि टास्क और फंक्शनलिटीज को लेयरिंग में डिवाइड किया गया ताकि क्या हो कि जो अगर कोई पार्ट फेल हो जाता है या हर लेयर का काम सेपरेट सेपरेट बन जाए तो कोई भी कहीं पे एरर आती है तो हम उसको तुरंत दूर करते उस लेयर के अंदर के टास्क को देख करके, राइट. तो इसलिए लेयरिंग का सिस्टम लेकर के आए थे. नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन बनाया गया वो इस लेयर के वे में बनाया गया था. इन दिस टाइप ऑफ ओएस आर्किटेक्चर द ओएस इज स्प्लिट यानी कि डिवाइड हो जाता था इनटू वेरियस लेयर्स के अंदर एंड ईच ऑफ द लेयर्स हैज डिफरेंट फंक्शनैलिटीज और हर लेयर की खुद की क्या होती थी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज जो कि आपको हर लेयर का डिस्क्रिप्शन बाद में टेबल के अंदर एक शो करूंगी. This type of OS was created as an improvement, एक improvement यानी कि अच्छा version था over the early जो इसके पहले बने थे, कौन से monolithic systems से जो था एक improvement था. तो यहाँ पे मैंने इसका architecture diagram बनाया था, आपको introduction section लिखना है. After that you need to make this diagram, architecture diagram. Layer zero, hardware आते हैं. Hardware के ऊपर से क्या start हो जाती है, layering, right? तो पहले hardware आएंगे तो लेयर जीरो लेयर वन ऐसे आप लेयर एन तक क्रिएट कर सकते हो और ऊपर क्या आ जाएगी लास्ट अगर लेयर आप ऐड करना चाहो तो किसकी आएगी, एप्लीकेशन की, राइट. तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ लेयर्ड सिस्टम आर्किटेक्चर. तो व्हाई लेयरिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों इन लेयरिंग करने की हमको जरूरत पड़ी. लेयरिंग प्रोवाइड्स ए डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस इन एन ओएस, अलग डिफरेंट डिफरेंट हर लेयर अलग अलग फंक्शनलिटी दे रही है
तो डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस हर लेयर ने प्रोवाइड की. ऑल द लेयर्स कैन बी डिफाइंड सेपरेटली एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर एज रिक्वायर्ड. इसमें क्या होता था कि जो लेयर्स है वो आपस में इंटरेक्ट करती थी, सेपरेटली ही करती थी, जैसे अपर लेयर और उसके नीचे वाली लोअर लेयर से जो थी वो इंटरेक्ट करती थी अकॉर्डिंग टू वर्क रिक्वायरमेंट. ऑल्सो इट इज इजियर टू क्रिएट, क्रिएट करना इजी है, आप चाहे अपने अकॉर्डिंग लेयर एड कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो सिस्टम को, इफ इट इज डन इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. अगर आप लेयरिंग में कर रहे हो तो आप अपनी इच्छा से किसी भी लेयर की फंक्शनलिटी को चेंज कर पा रहे थे. चेंज इन वन लेयर स्पेसिफिकेशन डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द लेयर्स. अगर आप एक लेयर के अंदर चेंजेस करते हो तो पूरे रेस्ट ऑफ द लेयर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था. तो मोनोलिथिक में जैसे अभी आपने देखा कि अगर कोई फंक्शनलिटी आप चेंज करो तो पूरे ओएस के ऊपर इफेक्ट पड़ता था, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन के ऊपर, राइट. लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप एक लेयर के स्पेसिफिकेशन के अंदर चेंजेस करते हो तो रेस्ट ऑफ द लेयर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ईच ऑफ द लेयर्स इन द ओएस कैन ओनली इंटरेक्ट विद द लेयर्स दैट आर अबव एंड बिलो इट. हर जो लेयर है अपने ऊपर वाली लेयर, देखो यहाँ पे डायग्राम दिखा, जैसे लेयर जीरो है और लेयर वन है, तो लेयर वन को अगर इंटरेक्ट करना है तो वो अपने से ऊपर वाली लेयर लेयर टू से इंटरेक्ट कर सकती है और लेयर जीरो से कर सकती है. और लेयर जीरो को अगर इंटरेक्ट करना है तो वो लेयर वन से ही इंटरेक्ट कर सकती है. अबाव और बिलो जो लेयर है खाली उसी से इंटरेक्शन जो है अपन कर सकते हैं. द लोएस्ट लेयर हैंडल्स द हार्डवेयर. जो लोएस्ट होगी हमेशा क्या आएगा, हार्डवेयर. जो आपका बेसिक डायग्राम है अभी भी वही रहेगा कि सबसे पहले क्या आएंगे, ऑलवेज आपके क्या आएंगे, हार्डवेयर, राइट. जो आपने मुझसे लेक्चर वन के अंदर देखा था वो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि हमेशा नीचे वाले लेयर में तो आएंगे हार्डवेयर, फिर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पर लेयरिंग हो गई थी और ऊपर क्या आ जाएगी, एप्लीकेशन. अभी भी यूजर प्रोग्राम वाला मोड जो है वो अभी तक भी एड नहीं किया गया है, राइट. सेकेंड नंबर के आर्किटेक्चर के अंदर भी वो जो लास्ट में बनाए गए आर्किटेक्चर जो था फाइनल, उसके अंदर यूजर मोड और कर्नल मोड जो थे वो सेपरेटली बताए गए हैं. द लोएस्ट लेयर हैंडल्स द हार्डवेयर एंड द अपर मोस्ट लेयर डील्स विद द यूजर एप्लीकेशंस. ओके, तो लेट्स सी द डायग्राम अगेन. यहाँ पर आपको लेयर्ड सिस्टम आर्किटेक्चर दिख रहा है फिर से. अब यहाँ पर मैंने लेयर्स की फंक्शनैलिटी बताई है, यहाँ पर लेयर जीरो की, लेयर वन की, लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर एंड लेयर फाइव. तो यहाँ पर सिक्स लेयर्स है, देर आर सिक्स लेयर्स इन द लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. कितनी लेयर्स बनती थी, सिक्स लेयर्स. आप लेयर्स के अंदर फंक्शनलिटी चेंज कर सकते हो लेकिन नंबर ऑफ लेयर्स कितनी रहेगी, सिक्स. ए डायग्राम डेमोन्स्ट्रेटिंग दीज लेयर्स हैज फॉलोस. तो एक पूरा डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया और ये जो लेयर आपकी जीरो से लेकर के फाइव तक यानी कि टोटल सिक्स लेयर्स है, उनकी फंक्शनैलिटी और उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर आपको टेबल में बताया गया है, राइट. तो जब आप जीटीयू में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले आपको ये इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है. आफ्टर दैट आपको ये लेयर्स का डायग्राम बनाना है. लेयर आप जीरो, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, फोर, फाइव तक आप नेमिंग कर सकते हो अपने हिसाब से. और लास्ट में एक लेयर आप एप्लीकेशन की भी लिख सकते हो, फर्स्ट लेयर आप हार्डवेयर की भी लिख सकते हो, क्योंकि डायग्राम का फॉर्मेट तो अभी भी ये रहेगा. नीचे लोएस्ट जो है लेयर के अंदर क्या आएंगे, हार्डवेयर, और सबसे अपर मोस्ट में क्या आएंगे, यूजर एप्लीकेशन. ओके, उसके बाद आपको जीटीयू में लेयरिंग क्यों की गई थी इसका रीजन पूरा एक्सप्लेन करना है एग्जाम के अंदर. आफ्टर दैट आपको ये डायग्राम फिर से साइड में बना करके पूरी टेबल जो है अच्छे से ये शो करके आनी है कि लेयर्स के नेम, उनका उनकी फंक्शनैलिटी एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हर लेयर का टास्क क्या था. लेयर जीरो, प्रोसेस अलोकेशन एंड मल्टी प्रोग्रामिंग. प्रोसेस का अलोकेशन करते थे कि कौन सा प्रोसेस पहले डन होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में होगा. और मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब बहुत सारे प्रोग्राम कंकरेंटली एक साथ रन होते थे. प्रोवाइड द बेसिक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ द सीपीयू. सीपीयू की मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीपल प्रोग्राम जो थे वो एक साथ एग्जीक्यूट होते कंकरेंटली. मेमोरी मैनेजमेंट लेयर वन करके दे रही थी. मेमोरी मैनेजमेंट डील्स विद मेमोरी एंड द मूविंग ऑफ प्रोसेस की फ्रॉम हार्ड डिस्क टू प्राइमरी मेमोरी. तो वो आपको और अभी अच्छे से जब मेमोरी मैनेजमेंट की पूरी एक यूनिट, एक पूरा चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में उसमें आएगा. प्राइमरी मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन एंड बैक अगेन.
ऑपरेटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्रोसेसेस दैट इज असाइनिंग द प्रोसेसर टू ए प्रोसेस एट ए टाइम एक प्रोसेस को एक टाइम पे प्रोसेसर को अलोकेट करवाना ये टास्क कौन परफॉर्म करके दे रहा था लेयर टू दैट इज ऑपरेटर प्रोसेस कम्युनिकेशन द लेयर थ्री इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इनपुट की डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड होती है आउटपुट की डिवाइसेस कनेक्टेड होती है आउटपुट की डिवाइस जैसे प्रिंटर है इनपुट की डिवाइस जैसे आपका कीबोर्ड है बेसिक इनपुट डिवाइस कौन सी होती है कंप्यूटर की कीबोर्ड जिससे आप की प्रेस करते हो इनपुट्स देते हो कंप्यूटर के अंदर इट हैंडल्स द बफर फॉर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने बहुत बार देखा होगा कि हम प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए पेजेस बहुत सारे जो होते हैं वो सेलेक्ट कर देते हैं प्रिंटर जो होता है आपका एरर जनरेट करता है राइट तो उस टाइम पे जो बफर्स होते हैं बफरिंग होती है उस टाइम पे कि आप बफर स्लॉट के अंदर उन पेजेस को रखते हो तो उनको हैंडल करने का टास्क इसके थ्रू होता है एंड मेक श्योर दैट दे वर्क करेक्टली कि आप पेज वन का पहले आपने दिया था पेज टू का दिया था किसी एक पीडीएफ का पहले दिया था फिर सेकंड कोई और पीडीएफ का आपने प्रिंटिंग पे दिया है तो उन सबको श्योरली करेक्टली मैनेज करना उनको बफर्स में डालना राइट कि कौन से पेज को पहले करके देना है तुम्हें नेक्स्ट लेयर फोर दैट इज यूजर प्रोग्राम इट डील्स विद द मेनी यूजर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट रन इन एन ओएस सच एज वर्ड प्रोसेसर गेम्स ब्राउजर्स तो उन सब की डीलिंग करना कि जो हम यूजर के खुद के कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था कि आपको गूगल किसी को गूगल क्रोम अच्छा लगता है वेब ब्राउजर में किसी को इंटरनेट एक्सप्लोरर अच्छा लगता है राइट तो उन एप्लीकेशन को रन करना गेम्स आपको कुछ अच्छे लगते हैं आप इंस्टॉल करते हो तो उन सबको कौन सॉल्व करके दे रहा था लेयर फाइव उसकी फंक्शनैलिटी क्या थी यूजर प्रोग्राम्स को पूरा अच्छे से हैंडल करके शो करना आफ्टर दैट कौन सी लेयर आती है लेयर फाइव द ऑपरेटर तो इसमें ऑपरेटर जो था वो पूरा का पूरा इनको यूजर प्रोग्राम्स के लिए वो क्या होता था लोकेटेड होता था तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो लेयर्ड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो था लेयर्ड वाले कौन कौन से थे राइट तो आज आपको जो मैंने लेक्चर थ्री थे उसमें आपको टू टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर जो पहले फर्स्ट आया था मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर तो आपने मुझसे वो पूरा अच्छे से सीखा कि सबसे पहला ये डिजाइन बनाया गया था इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज डाली गई थी फिर इसके अंदर एक ही डिसएडवांटेज क्या थी कि कर्नल मोड में हम सारा काम कर रहे थे अगर कोई भी फाइल क्रैश होती है कुछ भी एरर आती है तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता था करप्ट हो सकता था राइट तो उसको दूर करने के लिए फिर हमने फंक्शनैलिटीज को डाला इसमें लेयरिंग के अंदर तो ये उसका एक इम्प्रूवमेंट था किसका मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर्ड सिस्टम्स तो आपने इसका पूरा डायग्राम के बाद में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है इसका पूरा टेबल फंक्शनैलिटी सारी लेयर्स की टोटल सिक्स लेयर्स के अंदर ये डिवाइड होता है लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओके तो आई होप आपको ये दोनों आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आए हो अगर कोई डाउट्स हो तो आप डाउट सॉल्विंग सेशन के अंदर मुझसे आस्क कर सकते हो ओके एंड मेक श्योर कि आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ अच्छे से नोट्स की और इनको अच्छे से एक नोटबुक के अंदर मेंटेन करो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर के अंदर मैं आई विल एक्सप्लेन यू द थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज माइक्रो कर्नल्स एंड नेक्स्ट वन इज वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम Okay, thank you so much, students.